Hello everyone, in this video we are going to talk about isotonicity adjustment. So first we have to understand what is the importance of isotonicity adjustment. What happens that whenever we prepare some solutions which are parenteral, which we have to administer parenteral, that means we have to administer them through IV route. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलारिटी होती है, अगर हम वो सेम ऑस्मोलारिटी का सॉल्यूशन नहीं देंगे, अगर हम आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन नहीं देंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है उस केस में. अगर मैंने बहुत ज्यादा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन दिया, इफ सपोज आई हैव गिवन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक को याद करने का एक तरीका है दैट हाइपरटॉनिक मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है. तो अगर मेरा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब उसके अंदर पानी वाटर का जो डिसॉल्वेंट का कंटेंट है वो बहुत कम है, तो जब मैं इसको ब्लड में दूंगी तो ब्लड के जो आरबीसीज होंगे ना वो क्या करेंगे, वो अपना पानी इनको देते जाएंगे ताकि दोनों का ऑस्मोलैरिटी सेम हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए. तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगे. लेकिन अगर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया, हाइपोटोनिक मतलब उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, हाइपो मतलब लेस, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम है, मतलब उसके अंदर पानी ज्यादा है. तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मेरा पानी ज्यादा है तो ब्लड इस सॉल्यूशन से आरबीसी के अंदर पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी स्वेल होंगे और आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे. तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें अपना जो सॉल्यूशन पेरेंटल रूट से देना है, दैट शुड बी आइसोटॉनिक विद माय ब्लड. उन दोनों की टॉनिसिटी ऑस्मोटिक प्रेशर सब सेम होना चाहिए, अदरवाइज आरबीसी बर्स्ट हो सकते हैं या फिर आरबीसी श्रिंक कर सकते हैं. तो एक मेथड होता है मुझे किस तरीके से मुझे अपनी आइसोटॉनिसिटी को एडजस्ट करना है. तो उसके लिए एक चीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार होती हैं. फर्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज रिडक्शन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक रूल होता है कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी को सेम कर दिया दो सॉल्यूशन के लिए तो ऑटोमेटिकली उसकी चारों प्रॉपर्टी सेम हो जाती हैं. तो अगर मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशंस का सेम करना है, मीन आई वांट माय सॉल्यूशन टू बी आइसोटॉनिक विद माय आरबीसीज, तो मुझे उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना पड़ेगा. तो अगर मैं उनका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम कर दूं जितना मेरे ब्लड का है, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की हेल्प से हम जो ऑस्मोलारिटी होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको सेम करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम पानी है, अगर हम उसके अंदर कुछ भी सॉल्यूट डालेंगे, तो प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाएगा, एफडीपी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, फ्रीजिंग एफपीडी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा. सो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस हो रहा है ना, हमें उसको बोलना है कि जैसे मेरा ब्लड है, दैट इज उसका 55% पोर्शन इज ऑफ प्लाज्मा विच इज मेड अप ऑफ वॉटर, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट आयंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होना चाहिए. तो क्या होता है, मेरे ब्लड का जो मेरा ब्लड है उसमें मैक्सिमम पोर्शन इज फ्लूइड वॉटर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. लेकिन जब मैं इसके अंदर कुछ सॉल्यूट जैसे आयंस वगैरह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनल जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे ब्लड का, विच इज -0.52 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माई ब्लड. सो और इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हुआ, दैट इज 0.52. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पॉजिटिव में होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में हो जाएगा, बिकॉज उसमें डिप्रेशन हो रहा है.
तो अगर मैं अपने सॉल्यूशन का मैं फ्रीजिंग पॉइंट इतना कर दूं, -5.5 तो कर दूंगी, तो क्या होगा, मेरे ब्लड का और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दैट मीन्स उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम अपने ब्लड को, अपने सॉल्यूशन को ऑस्मोलारिटी सेम करते अपने ब्लड जैसी। तो मुझे किसी भी सॉल्यूशन का अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट -0.5 तो कर दूंगी ना, तो क्या होगा, उसकी वजह से ये चीज होगी कि मेरा वो सॉल्यूशन ब्लड के साथ फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, दोनों का डिप्रेशन सेम है, मतलब उनकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैच हो गई, तो फाइनली उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। अभी अब इनमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर हम एक पढ़ें, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपीन सल्फेट। मेरे पास एट्रोपीन सल्फेट है, उसका मेरे पास 1% सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो 0.08 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका मतलब ये एट्रोपीन सल्फेट वाटर का सॉल्यूशन था, तो इसका जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, वो -0., मतलब 0 में से माइनस कर दो 0.08, इतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अभी इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 0.08 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन करना है 0.52। अगर मैंने इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.52 कर दिया, तो क्या होगा, मेरा वो सॉल्यूशन ब्लड के आइसोस्मोलर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी मेरे को करना है 0.52, और ऑलरेडी इतना है, तो मुझे जो ये इतना चेंज है इन दोनों को माइनस करके, उतना मेरे को किसी चीज को यूज करके एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे को इतना जो इसका डिफरेंस होगा वो मुझे एडजस्ट करना है। -0.8 तो ऑलरेडी है, तो हमें इतना नहीं करना, हमें इतना करने के लिए -0.8 को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आई यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वी कैन इधर यूज बोरिक एसिड, बट मोस्टली सोडियम क्लोराइड यूज होता है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, लेट अस सी, फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मूला एंड देन वी विल सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जस्ट दीज आर द सेम पॉइंट दैट आई हैव रिपीटेड, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो ब्लड का है वो -0.52 है, तो मेरे को जब इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 0.52 माइनस जितना ऑलरेडी उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना उसका डिप्रेशन ऑलरेडी है, मैं उसको माइनस कर दूंगी, मतलब मुझे एडजस्ट इतना करना है, मीन्स 0.52 माइनस जितना उसका है ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय बी। बी ए होता है जो मेरा सॉल्यूशन है, जो मेरा बना हुआ सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन है, उसका कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया है, वो हम ए पुट करते हैं। बी क्या होता है, बी होता है कि जिस चीज की हेल्प से मैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करूंगी, जिस चीज की हेल्प से मैं उसको 0.52 लेकर आऊंगी, उस चीज का 1% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन करूंगी विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमको सबको पता है जो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटॉनिक होता है। तो अब इतना इजी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, बिकॉज दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर 0.9% NaCl मेरा ऑस्मोटिक है ब्लड के साथ, तो मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा ना, वो भी उतना ही होगा जितना ब्लड का होता है, मतलब 0.9% NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 0.52 है, विच इज इक्वलेंट टू माई ब्लड। अब मुझे बी की वैल्यू पुट करनी है कि जिस चीज की हेल्प से मैं फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर रही हूँ, उसके 1% सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। 0.9% का 0.52 है, 1% का होगा 1 × 0.52 डिवाइडेड बाय 0.9, इट विल कम आउट टू बी 0.576 या 0.58 हम उसको बोल सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी हम NaCl की हेल्प से, जब भी हम उसको आइसोटॉनिक करने की हेल्प करेंगे, तो बी हमेशा सेम रहेगा 0.58 या 0.576 टू बी एक्यूरेट। तो
तो अभी मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है कि कितना वेट बाय वॉल्यूम, ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर सॉल्व करके, उसका मतलब है मुझे उतना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब उतना ग्राम NaCl का जब मैं 100 ml, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज ग्राम इन 100 ml, तो उतना ग्राम NaCl का मैं डालूंगी 100 ml ऑफ मेरा जो सॉल्यूशन है. This is all about the concept of isotonicity adjustment. Now we will try to solve that numerical. So the things would be clear. Abhi they have told us the freezing point depression of 1% solution of atropine sulfate. I have 1% solution of atropine sulfate. Uska freezing point depression hai 0.08. That means my A would be 0.08. Theek hai. नेक्स्ट इज एंड डेट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड का है 0.576. अब 1% सोडियम क्लोराइड का जो मेरे को डालना है वो वैल्यू थी बी की वैल्यू है 0.576. अगर वो मुझे मेंशन नहीं भी करेंगे तो मैं उसको 0.576 ही ले लूंगी. अब क्वेश्चन में है हाउ मेनी ग्राम्स ईच ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 50 ml सॉल्यूशन ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एट्रोपिन सल्फेट. पहली चीज यहाँ पे 1% एट्रोपिन सल्फेट का उसने हमें दे दिया, ए है 0.08, और फाइनली वी वॉन्ट टू प्रिपेयर 1% सॉल्यूशन ओनली. बट अगर वो मुझे बोलता ना कि मेरे को 2% एट्रोपिन, 1% का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना है 0.08 है, लेकिन फाइनली आई वॉन्ट टू मेक 2% एट्रोपिन सल्फेट, तो मैं क्या करूंगी, जो ए की वैल्यू है ना 1% के लिए 0.08 है, बट फाइनली आई वांट टू मेक 2%, तो मैं यही पे 2% कैलकुलेट करके 2 × 0.06 मींस 0.1, 2 से मल्टीप्लाई करना है 16.16 पुट करूंगी मैं ए को. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज दीज आर द फ्यू चेंजेस विच दे डू इन द क्वेश्चन. फर्स्ट इज की जो एट्रोपीन का जो परसेंटेज NaCl का B का हमेशा 1% का ही लेना है मुझे, लेकिन A की वैल्यू 1%, 2%, 3% कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मुझे फाइनल क्या प्रोड्यूस करना है, मैं उतने परसेंट का ही A लूंगी. तो अभी इस क्वेश्चन में मेरा 0.52, अभी मुझे यहाँ पे 1% ही बनाना था, 1% का ही दिया हुआ, तो मुझे कुछ मल्टीप्लीकेशन करने का नीड नहीं है. इट इज -0.08 डिवाइडेड बाय 0.576. तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इट विल कम आउट टू बी 0.52 -0.08, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.44. अब इसको मुझे डिवाइड करना है 0.576 से, डिवाइडेड बाय 0.576, इट मींस 0.763. अब मैंने बोला था ये जो वैल्यू आई है 0.763, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब इतना ग्राम NaCl का मैं डालूंगी कितने वॉल्यूम में, 100 ml सॉल्यूशन में, बट मुझे 50 ml सॉल्यूशन बनाना है, दैट मींस 0.763 डलेगा 100 ml में, सो 50 ml में इसका हाफ डलेगा विच वुड कम आउट टू बी 0.3820. तो इतना ग्राम मेरे को NaCl का डालना है इन 50 ml. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट. सो आपको क्या क्या मेन पॉइंट याद रखने हैं, ए की वैल्यू जो हम पुट करेंगे एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जितने परसेंटेज का बनाना है ना उतने ही परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पुट करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, अगर 50 ml मुझे बनाना है फाइनली, पहले था परसेंटेज को मैं फॉर्मूले में ही कर लूंगी, जब मुझे 50 ml बनाना है तो मेरे को ये चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इतना ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन. तो अगर 50 ml बनाना है तो उतने ग्राम को हाफ कर दो, अगर 200 ml बनाना है उस ग्राम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर. One more thing that I want to discuss here is that there is another thing, boric acid. Boric acid को भी मैं use कर सकती हूँ isotonicity adjust करने के लिए, जैसे मैंने NaCl को use किया.
अगर मैं बोरिक एसिड को यूज करूंगी NaCl एडजस्ट करने के लिए तो मुझे उसकी बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें पता है 2.1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज आइसोटॉनिक विद आवर ब्लड, दैट मींस 2.1% बोरिक एसिड का जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा वो 0.52 होगा। अब मैंने बोला मेरे को बी की वैल्यू डालनी है 1% की, तो 1% का कितना होगा 1 × 0.52 / 2.1, सो माय आंसर विल केम आउट टू बी 1 × 0.52 / 2.1, इट विल कम आउट टू बी 0.2476। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इफ वी आर एडजस्टिंग विद द हेल्प ऑफ बोरिक एसिड। This is all about the concept of freezing point depression. With the help of these concepts, you can solve any question which is asked in GPAT or NIPER or any of the exams. So with this, I will end up the video. Thank you so much.